बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत आसानी से और झटपट तैयार होने वाली डिश, क्रीमी फ्रूट कॉकटेल। इसके लिए मैंने एक कप लिया है कंडेंस मिल्क और एक टिन लिया है मैंने कॉकटेल का, फ्रूट कॉकटेल का। दो पैकेट क्रीम के लिए है मैंने, और ये काजू लिए और बादाम लिए हैं। इसे गार्निश भी करेंगे हम ऊपर से और इसके अंदर ऐड भी करेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत डिलिशियस होती है। ये देखिए, ये हमारी क्रीम है, क्रीम बहुत ज़्यादा जम चुकी है कि इसके बहुत पीसेस हो गए हैं। इसको तोड़ना पड़ेगा पहले, क्योंकि ये बीट मुश्किल से होगी। ये देखें, मैं इसे अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। जितनी आपकी क्रीम अच्छी बीट होगी, ये उतनी ही यम्मी बनेगी। और क्रीम का चिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी क्रीम इतनी चिल्ड हो चुकी है कि वो जम के पत्थर की शक्ल इख्तियार कर ली है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये कि अच्छा है जितना ज़्यादा ठंडा हो। ये रेसिपी बहुत आसान है, इतनी आसान है कि बच्चे भी बना सकते हैं, और अक्सर आपने शादियों में ये खाया होगा। बहुत यम्मी बनती है, आप इसे अपनी पार्टी या दावतों में बनाएं, बहुत यम्मी है, डिलीशियस है बहुत ज़्यादा। ईद के मौके पे आप बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ये आप लोगों का प्यार ही है जिससे मुझे हौसला होता है। देखें, मेरी क्रीम अब मैं बीट कर रही हूँ, थोड़े से पीस हैं इसमें, ये देखें ये हैं, तो अब मैं और मज़ीद इसको तोड़ के बीट करूँगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपको और मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपी पहुँचा सकूँ जो कि आसानी से तैयार हो जाएँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि तकरीबन घर की चीज़ों से ही अच्छी रेसिपी बन जाए। ये देखें, ये एक कप कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क की मकदार को ज़्यादा कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसको बीट करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। हमारी क्रीम चिल्ड थी बल्कि जमी हुई थी, तो इस वजह से बहुत अच्छी क्रीम हमारी बीट हुई है। ये देखें, हम मुसलसल बीट कर रहे हैं। ये देखें, ऐसी बीट होनी चाहिए हमारी क्रीम, इस वक्त फुल बीट हो चुकी है। अब हम इसमें एक कॉकटेल ऐड करेंगे, एक टिन कॉकटेल का हमने इसमें डाला है, और जो काजू और बादाम है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, हमारे काजू और बादाम वो हम ऐड करेंगे, और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से कि ये आपस में मिक्स हो जाएं, बिल्कुल यकजान हो जाएं। ये देखिए, ये हमारे क्रीमी फ्रूट कॉकटेल तैयार है। हमने चॉकलेट चिप और काजू से इसकी गार्निशिंग की है। ये बहुत यमी और आसानी से तैयार हो जाती है दावतों में बनाए। ये देखें कितना खूबसूरत बना है हमारा, आप ईद के मौके पे इसको बनाएं। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।